गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है काइनेमैटिक्स। एंड टिल नाउ काइनेमैटिक्स में हमने बच्चों सबसे पहले कवर किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट हमने स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक कवर किया। अभी तक हम ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। एंड एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पिछली क्लास तक कर चुके हैं। बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्सेलरेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए समझिए बच्चों, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, सुनिए पहले टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्सेलरेशन से आप समझते क्या हैं? एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है बच्चों इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है इसका, समझिए। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी सुन लीजिए। एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हैं। यूनिट होती है आपकी, पता है आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझिए बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्सेलरेशन से आप समझते क्या हैं। एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कहीं पे आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 m/s² दिया है। इसका मतलब क्या है, आइए वो समझते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैं बदलाव के रेट को ही आप क्या कहते हैं? रेट। मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं 2 m/s, यानी ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी सेकेंड, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी की यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या रेट बोल लीजिए या टाइम बोल लीजिए। तो ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन। दोबारा बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये है अगर कोई पार्टिकल, सुनिए, अगर कोई पार्टिकल यहां पे है एंड इनिशियल इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज 0 है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है एंड इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 m/s² है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 1 सेकंड में ये 2 m स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, यानी नेक्स्ट सेकंड में 4 m हो जाएगी, 4 m/s। नेक्स्ट अगले सेकंड में 6 m/s। बाद में समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? शुरू में स्पीड थी 0, 1 सेकंड बाद इसकी 2 m/s हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 4 m/s। तो समझ में आ रहा है? तो यानी लिख देता हूं ताकि आप लोग भूले ना, इसका मतलब हो गया इंप्लाइज आफ्टर। ये सब आपके लिए लिख रहा हूं बच्चों, ताकि आप 2-4 महीने बाद जब ये टॉपिक आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तब ऐसा ना हो कि आप ये पुरानी बातें भूल जाए। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है आपको नोट्स फॉर्म में भी छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दूं, अदरवाइज ये आपको ही लिखना चाहिए, मुझे इतने छोटे पॉइंट नहीं लिखवाने चाहिए। चलिए, एनीवेज, आफ्टर वन सेकेंड स्पीड v हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? v हो जाएगी 2 m/s। आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड फिर से हो जाएगी 4 m/s। आफ्टर 3 सेकेंड स्पीड हो जाएगी 6 m/s एंड सो ऑन का मतलब समझ में आता है, ऐसा चलता ही रहेगा। तो आपसे पूछा जाए 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, क्या आप निकाल सकते हैं? डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दी होती 2 m/s और अगले 1 सेकंड में 2 m/s इसके कारण बढ़ेगी, 2 शुरू में थी 2 अब बढ़ेगी, यानी अगले सेकंड में 4 m हो जाती, तो इनिशियल 0 हो या कुछ हो उतने में एड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर, आई होप आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक टर्म होता है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ठीक नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी आगे मूव कर रही है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, यानी फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट स्पीड से मैं आगे को जा रहा हूं और मेरा रिटार्डेशन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी उतने से मुझे धीरे धीरे स्लो किया जा रहा है।
पासन में आ रही है। चलिए इसे डेप्थ में इंडिविजुअल जब एग्जांपल लेंगे तब आपको और बेटर समझाएंगे। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक पिक्चर क्लियर है या नहीं, कुछ चमक रहा है? चलिए आइए देखिए बच्चों। तो बच्चों बात आती है अगेन एक्सेलरेशन, जैसे आपका वेलोसिटी, तो दो टाइप की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन अ सिमिलर फैशन आपका क्या है, एक्सेलरेशन भी आपका एवरेज एक्सेलरेशन एंड दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए आप एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है, यानी v फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा t। बच्चों क्या निकल के आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा v बाय डेल्टा t, खत्म। एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इतनी बात आपको पता है, अगर आपको किसी इंस्टेंट पे निकालनी है तो आप लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो निकाल लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, लिमिट क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, किसमें लिमिट लगाई, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी में। एंड इस प्रकार बच्चों आपका ये आ गया डी वी बाय डी टी, यानी आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये बात बताने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए कि लिमिट लगाते ही आपका ये एवरेज एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्यों, ये सारी की सारी चीजें विद डेप्थ विद फील मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, अब बार बार ये नहीं बताया जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों, पक्का? चलिए अब सुनिए, एक्सेलरेशन बच्चों जैसे हमने वेलोसिटी देखा था, वेलोसिटी वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल मतलब क्या, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ या घट सकती है या वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। इन अ सिमिलर फैशन एक्सेलरेशन भी आपका या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम ये दोनों टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन या तो एक्सेलरेशन आपका केस होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। एग्जांपल से समझते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। चीजें जब वेरी होती हैं, 10 बार बताया है, इंटीग्रेशन टूल की, मैथ्स के इस टूल की हमें हेल्प लेनी ही पड़ जाती है। दूसरा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, ये a = 2 m/s² कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है आपकी, ग्रेविटी g = 9.81 m/s² कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना, तो दूसरा केस बनता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक हम जनरल केस लेने जा रहे हैं, जनरल मींस वेरिएबल, एक्सेलरेशन मींस वेरी कर रहा है समय के साथ। अगर आप ये डील कर लेंगे वो तो कांस्टेंट है, आपको वेरिएबल की जगह कांस्टेंट डाल दीजिए, वैसे ही सेम प्रोसीजर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल इसका लेने जा रहे हैं, उसके बाद इन डेप्थ इसकी बात करने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों, शो चलिए नोट कीजिए। फिर आइए बच्चों वेरिएबल एक्सेलरेशन के एग्जांपल देखने जा रहे हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। आइए वेरिएबल एक्सेलरेशन के एग्जांपल, एग्जांपल 10 हो चुके थे, एग्जांपल 11 बच्चों आपको दिया है, फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 s इफ पोजीशन वेक्टर r = 3t² छोड़िए, चलिए इसको करिए 3t³, 4t³ आई कैप +2t j कैप। आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन एट 2 s, बात समझ में आ रही है? चलिए पोजीशन वेक्टर दिया है, बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हैं, जस्ट आइए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं।
आप अगर इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। क्या निकल के आया बच्चों बता दीजिए, 4 × 3 = 12 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 j कैप। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए बच्चों, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया आपका डी वी वेक्टर बाय डी टी, कितना आ गया 12 × 2 = 24 टी आई कैप प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी 0। क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन 0, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है एट 2 सेकेंड, यानी टाइम डाल दीजिए 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड कितना आ गया 2 × 24 = 48 m/s² ब्रैकेट में लिख लीजिए आई कैप। आई कैप क्या दिखा रहा है, जो ये एक्सेलरेशन है आपका पर सेकेंड 48 m/s वेलोसिटी से, यानी आपका जो एक्सेलरेशन है 48 की वेलोसिटी से चेंज हो रहा है पर सेकेंड। डेफिनेटली बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, यानी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहीं से एक कंक्लूजन निकालते हैं। चलिए अगर ये मैंने टी क्यूब दिया, अगर ये टी स्क्वायर होता तो, अगर ये टी स्क्वायर होता तो, टी स्क्वायर होता तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो यहां स्क्वायर की जगह 8t आता, उसका फर्दर डिफरेंशिएट करते क्योंकि यहाँ पे 8t होता, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कोई भी t नहीं होता, यानी ये आंसर कुछ समथिंग कांस्टेंट आई कैप आता, यानी एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आता। यानी अगर ये r वेक्टर की मैक्सिमम डिग्री 2 होती, जो इट r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टाइम में मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 3 ली है, अगर मैंने 2 ली होती, जो ये एक्सेलरेशन t का फंक्शन यानी वेरिएबल आ रहा है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता। क्या आपको बात समझ में आ रही है, तो कभी भी पोजीशन वेक्टर देखते ही समझ जाइए किसका क्वेश्चन है, वेरिएबल का है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। ये जो मैं बोल रहा हूं आप लोग खुद लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, एक और एग्जांपल लें। चलिए लेते हैं फिर एक और एग्जांपल, रब कर दूं क्या इसे। चलिए आइए सुनिए, नोट कर लो पहले, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 बच्चों आपको दिया है, इफ एक्सेलरेशन, डेफिनेटली वेरिएबल का है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t, चलिए इसको करते हैं 3t आई कैप एट टाइम टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 वी, एट टी इक्व टू 0 वी इक्व टू 3i + 4j। टाइम 0 पे v इतना है एंड पार्टिकल इज एट कहां पे बता दीजिए, 5.6 पार्टिकल कहां पे है, 5.6 पे है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड पोजीशन वेक्टर एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद पोजीशन बताइए या पोजीशन वेक्टर बताइए। क्वेश्चन समझ में आया, एक्सेलरेशन दिया है आई डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में, क्या आपका टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, ये दिया हुआ है। जब टाइम 0 था यानी इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी इतनी रही थी और पार्टिकल इस पोजीशन पे था, फाइंड फाइनल पोजीशन वेक्टर मींस फाइनल पोजीशन, वो आपसे जानना चाह रहा है। बात समझ में आई शो, चलिए आइए कैसे डील करेंगे देखिए बच्चों। पहला देखते ही ये क्या है, टाइम 0 पे वी, यानी ये वी इनिशियल है, इतनी बात समझ में आ गई, तो आंख बंद करके इसको क्या मैं वी आई लिख सकता हूं, डेफिनेटली। दूसरा शुरू में
पार्टिकल यहाँ पे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पोजिशन वैक्टर इनिशियल। यहां से देखते ही मैं लिख सकता हूँ बच्चों, आर इनिशियल इक्वस टू 5i कैप प्लस 6j कैप। ये दो इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में से ड्रॉ कर लिया। आइए, मुझे ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, बहुत अच्छी बात है, एक्सेलरेशन दिया हुआ। आइए देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t i कैप। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू 3t i कैप। dt बच्चों मैं यहां से रब करके क्या यहां ले जा सकता हूं, डेफिनेटली ले जा सकता हूं। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, डेफिनेटली इंटीग्रेट कर सकता हूं। कहां से कहां तक, डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी v फाइनल तक। टाइम कहां से, 0 से t तक। बात समझ में आई, करिए इंटीग्रेट। तो v ये क्या आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल कितना है, 3i प्लस 4j। क्या है, 3i प्लस 4j। ज्यादा शॉक तो नहीं हो रहा है। इक्वस टू इंटीग्रेट कीजिए, 3t² / 2 यही है आई कैप। क्या है आई कैप, यही है, बिल्कुल सही। आइए सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूं, मॉडिफिकेशन इसलिए करना चाह रहा हूं बच्चों, इसको एक काम कीजिए, इसको 4 ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ये 4t² एक्सेलरेशन, तो ये होगा 4, तो ये होगा 4 डेफिनेटली, तो ये क्या होगा, 4 होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4 यानी 2 से 2 2 जा 4, सिंपल हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। 2t² i कैप, ताकि कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, आपको कैलकुलेशन तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, अब सॉल्व कीजिए फर्दर। 2t² और यहाँ 3i कैप है, यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव, यानी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2t² + 3 2t² + 3 i कैप। बिल्कुल वहां जाके 4j कैप। बात समझ में आई है, आंसर आपका आ गया। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी होती तो ये आंसर होता, लेकिन फाइनल पोजीशन वेक्टर पूछा है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dr/dt। dt को उस साइड ले जाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए इन सिमिलर फैशन। क्या कर सकते हैं, dr vector by dt। dt में ले गया इधर, 2t² + 3i कैप dt + 4j कैप dt। क्लियर है, वेलोसिटी को मैंने लिखा dr/dt, लिखा बिल्कुल सही। dt में यहां लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। इंटीग्रेट कर लीजिए बच्चों, टेन टेन। कहां से कहां तक बच्चों, डेफिनेटली इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर तक। कहां से कहां तक करेंगे, टाइम, शुरू में टाइम 0 था, फाइनल टाइम 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट कीजिए, आपको मिलेगा आंसर। क्या आ गया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 5i - 6j इक्वल्स टू t³ by 3, बिल्कुल सही है, +3। अच्छा ओके, t² का क्या हो गया, t³ by 3, 3 का हो गया, क्या हो गया, 3 dt का, तो 3t वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, 0 से 2। यहां क्या, 4j कांस्टेंट है ना, ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे, 4j ही था, बिल्कुल सही, 4j ठीक है, 4j कांस्टेंट, 4j dt इंटीग्रेट करेंगे तो dt क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं इसको, चलिए 4 2 जा 8j कैप, राइट, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 वैल्यू डालेंगे, 2 की पावर 3, 8 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 16 बाई 3 प्लस
6 ऐड कर लेना, 18, 16 2 32 33 34 34 by 3 ये आई कैप लगाया तो आई कैप लगाना मत भूलना, प्लस 8 जे कैप, आर फाइनल 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप, आर फाइनल क्या आ गया बच्चों, आई कैप ये 5 वहां ऐड कर दीजिए, 5 ये 15, 34 34 में 15, 44 44 में 5, 49 by 3 आई कैप, प्लस 8 में ये वहां जाएगा 6, 6 दुना 12, 13, 14 जे कैप। इस प्रकार फाइनल पोजीशन वेक्टर, इस प्रकार बच्चों आपका आंसर आ गया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ डाउट आते हैं उनके मन में, वो क्या सीखने वाली क्या बात है इस क्वेश्चन में, आइए वो सुनिए। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी किया, डी टी उधर लेगा इंटीग्रेट किया, फिर वेलोसिटी को हमने डीआर बाई डी टी लिखा, डी टी उधर लेगा फिर इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, काफी बच्चे गलती है क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, वो इंटीग्रेट जब वेलोसिटी निकाला, इंटीग्रेट किया वी इनिशियल से वी फाइनल, एंड इसको के इंटीग्रेट करते हैं जीरो से, क्योंकि हमारा आंसर क्या जीरो से टू क्या है, 2 सेकंड पे पोजीशन, तो वो क्या कर देते हैं बच्चे, यहां से जीरो से टी नहीं, जीरो से टू तक इंटीग्रेट कर देते हैं। बच्चों इसका मतलब समझिए, अगर आप जीरो से टू इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी आप जो ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जो ये वेलोसिटी निकल के आएगी आपकी, वो डायरेक्टली 2 सेकंड पे निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा समझिए, आपको 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन वेक्टर निकालना है 2 सेकंड पे, तो ये जो 2 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर निकालना है, इसलिए वहां पे लिमिट पुट कीजिएगा जीरो से टू। यहां पे तो आप 0 से 3 इंटीग्रेट करिएगा, अगर आपने 0 से 2 किया, यानी आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं 2 सेकंड, जो पूछा ही नहीं गया, जो कि गलत है, आप आगे बढ़ेंगे कैसे, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिख देता हूं, या आप लिख लोगे, लिखना क्या है यहां पे, लिखना ये है 0 से 2, 0 से 2 4t आई कैप dt, 0 से यही चीज लिखी है 0 से t, इसका मतलब लिख देता हूं, इट मींस यू आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, जो कि आपसे पूछा ही नहीं गया। तो ये थी बताने वाली बातें, कभी भी यानी ये मिस्टेक मत कीजिएगा, मतलब ही चेंज हो गया क्वेश्चन का। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है, शो समझ में आया पक्का, चीजें क्लियर हुई, अरे चमक रही है ना चीजें, समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, शो चलिए नोट की। बच्चों नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हमने वेरिएबल पढ़ा, अब हम कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा, दोबारा बोल रहा हूं, पहले क्या किया हमने, एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया था, इसको इंटीग्रेट किया तो हमें पहले वेलोसिटी मिली, फिर फर्दर हमने इसको डी आर बाई डी टी करके फिर से इंटीग्रेट किया तो हमें पोजिशन वेक्टर मिला। तो सेम तरीका हम अपनाएंगे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी, आइए देखिए, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, चलिए देखिए बोर्ड पे, देखिए बच्चों पेन वेन छोड़ दीजिए, जितना लिखना था लिख लिया, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों पहली बात ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मतलब a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3, 4, 5, एंड a इक्वल टू g, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस टॉपिक के अंदर दोबारा बोल रहा हूं, दो टॉपिक आते हैं सुनिए, एक आता है a इक्वल टू 2 या 3 या कुछ भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, दूसरा a इक्वल टू g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो टॉपिक होता है, जो हम फर्दर पढ़ेंगे, वो भी इसी का पार्ट है,
कहते हैं नारी क्यों पार्ट है, क्योंकि a बराबर 9.8 में जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के दोनों केसेस इसी टॉपिक के पार्ट हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी भी समझ में आ चुका है। चलिए लेते हैं फिर बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेट अस सपोज बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लेते हैं, चलिए लेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a इक्वल्स टू चलिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है आई कैप ए आई कैप, यानी आप केवल एक्स डायरेक्शन में मान रहे हैं एक्सेलरेशन, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन आपको इतना दिया हुआ है एंड वेलोसिटी जो आपको दी हुई है चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है ये है। आइए समझिए कैसे डील करेंगे, कैसे डील करेंगे। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू ए आई कैप। क्या लिख सकते हैं इसे फर्दर, डी वी इक्वल्स टू ए आई कैप डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, कहां से कहां तक, वी इनिशियल से वी फाइनल तक। टाइम, टाइम इनिशियल यानी जीरो से टाइम टी तक। अब बात सुनिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट केस पढ़ रहे हैं यानी ए कांस्टेंट है आपका, तो क्या मैं इस ए को बाहर ले जा सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट है डेफिनेटली। तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया वी इक्वल्स टू, मेरा क्या आ गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू ए टी आई कैप। ए कांस्टेंट है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए टी आई कैप। अब बच्चों ध्यान से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस ए टी आई कैप। बात समझ में आई या नहीं? पहला रिलेशन हमारा निकल के आ चुका है वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस ए टी आई कैप, क्लियर है। चलिए बच्चों फर्दर अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v को क्या लिख सकता हूं डी आर बाई डी टी लिख सकता हूं। आइए लिखते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं डी आर बाई डी टी, तो डी आर को डी टी इधर ले आऊंगा तो क्या हो गया मेरा फर्दर डी आर, यहां हो गया वी आई डी टी एंड यहां क्या हो गया मेरा ए टी आई कैप डी टी, ए टी आई कैप डी टी। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। क्या हो किया मैंने v को दोबारा बोल रहा हूं लिखा dr आर बाई डी टी डी टी डी टी साइड ले गया, इंटीग्रेट कर दो कहां से इनिशियल पोजिशन वैक्टर से फाइनल पोजिशन वैक्टर, इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से टाइम t, इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से टाइम t। अब बच्चों लेट सपोज vi क्या है इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस सपोज वी आई क्या है इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट को मैंने भेजा इनिशियल वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी लेट अस सपोज हम केस डील कर रहे हैं जहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो ये बच्चों ये क्या निकल के आ रहा है r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू क्या है v इनिशियल कांस्टेंट है, तो वी आई टी प्लस प्लस ये क्या हो गया a, a क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं ए टी स्क्वायर बाई टू आई कैप, बस दैट्स ऑल ये। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या होता है, इसको आप बोलते हैं टेन टेन एस, इसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। बच्चों होता क्या है, तो यहां से क्या निकल के आ गया मेरा पहले तो वो ये देखिए s इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई ये आया मेरा। अब बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से इनको रिलेट कीजिए, एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सुना होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही चीज तो है ये। अब बच्चे सोचते हैं बच्चों को फॉर्मूले रटे होते हैं, ये फॉर्मूले रटे होते हैं वो सोचते हैं एस क्या है डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए एस क्या है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों
हमेशा हमेशा इसको गलती से भी डिस्टेंस समझने की गलती मत करना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट है। बात क्लियर है? शो चलिए बच्चों फर्दर, मेरे पास दो मोशन ऑफ इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब सुनिएगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दो को फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि ये जो टी टाइम है, टी को एलिमिनेट करना। यहां से मेरा टी क्या निकल के आ रहा है, पहले ये बताइए। टी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई ए, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां पे टी, इसको नाम इक्वेशन वन दे दे रहा हूं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मेरा आ गया, एस इक्वल टू वी आई टी, मतलब हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई ए प्लस ए बाई टू टी स्क्वायर, मतलब हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई ए का होल स्क्वायर। बच्चों वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई ए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई ए, कॉमन कॉमन लीजिए वी आई ए बाई टू, फर्दर तो ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है क्या आ गया, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस इक्व टू टू ए एस। आप सॉल्व कीजिए, वही आ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर मैं क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिख रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, v mod of v f का स्क्वायर माइनस mod of v i का स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए डॉट s, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर हैं, बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। ये वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दी। तो बच्चों ये पूरा का पूरा हमने कुछ नहीं किया, वही हमने थोड़ा देर पहले न्यूमेरिकल में ये प्रोसीजर अपनाया था। अब हम एक जनरल जहां पे ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ए आई कैप, अब हमने उसे वही सेम प्रोसीजर वही इंटीग्रेशन किया। हमारी तीन इक्वेशन निकल के आई, पहली दूसरी एंड तीसरी। पहली है बुकों में कैसे लिखा रहता है, फाइनल को लिखा रहता है वी, इनिशियल को लिखा रहता है यू, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बात समझ में आ रही है। एंड एस इक्वल टू इनिशियल यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो बच्चों अब सुनिए, काफी मेजोरिटी 90% स्टूडेंट्स ये समझते हैं काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है, ये तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन के साथ खेलो और आपका चैप्टर खत्म। वो सोचते हैं कि 90% काइनेमेटिक्स ये तीन इक्वेशन से डील करती है और चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, जबकि ये केवल मुश्किल से 5% to 10% है मोशन ऑफ द इक्वेशन पूरे काइनेमेटिक्स का। तो ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, अभी तो हम एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बात समझ में आ रही है। अब सुनिए थोड़ा सा एनालाइज कर लिया इसे, चलिए सुनिए। एक्सेलरेशन मैंने एक्स डायरेक्शन में माना, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में भी तो होता है कॉन्स्टेंट, बात सुनिए। एक्सेलरेशन ए आई कैप मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन इधर माना और ऊपर जीरो माना, कुछ मैंने बात ही नहीं करी, इसका मतलब क्या है, जीरो जे कैप यानी जे डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन की बात नहीं करी, यानी वहां जीरो एक्सेलरेशन होगा। जब मैंने एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना तो मेरे ये तीन इक्वेशन इस टाइप की निकल के आई, बात समझ में आई। अब सोचिए एक्सेलरेशन ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ऊपर से नीचे यानी वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे यानी वाई एक्सिस, यानी ये जब कांस्टेंट होता है, यानी अगर मैं ये वाला डील करता, ये वाला केस डील करता, मैं क्या लिखता, ए जे कैप, या बोल दीजिए जी जे कैप, ए इक्वल टू जी जे कैप, बात समझ में आ रही है, या ए इक्वल टू 9.81 जे कैप। अब क्या होता, जहां पे आई है वहां पे आई की जगह क्या आता, जे 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 जे, क्या इक्वेशन तीनों सेम आती, क्या इक्वेशन तीनों सेम आती, बिल्कुल सेम आती, बस अंतर क्या आता, आई कैप की जगह जे कैप, आई कैप की जगह जे कैप, आई कैप की जगह कहां गया जे कैप, बात समझ में आ रही है या नहीं। तो सिर्फ यहां पे से मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं, जो ये इक्वेशन है मोशन ऑफ द इक्वेशन है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको एक्स में ही लगा सकते हैं, कुछ कहते हैं हम एक्स में ही लगा सकते हैं, कुछ कहते हैं हम वाई में ही लगा सकते हैं, एक्स में नहीं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ना, मैंने एक्स के लिए लगाया ऐसी इक्वेशन आई, वाई डायरेक्शन में लगाता तो यहाँ पे जे कैप जे कैप जे कैप आता, इससे ज्यादा अंतर तो कुछ नहीं आता ना, यानी ये इक्वेशन आपकी
एक्स एक्सिस में भी वैलिड है, वाई एक्सिस में भी वैलिड है, इंडिविजुअली आप अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब मेरा फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक स्टोन को थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड से, बात समझ में आई है। इस 5 मीटर का लेटर सपोज कोई एंगल मान लीजिए, लेटर सपोज 30 डिग्री मान लीजिए, तो ये क्या है 5 cos 30 एंड ये क्या है 5 sin 30। अब देखिए बात सुनिए, ये तो मैंने वेलोसिटी ले ली या एक्सेलरेशन ही ले लीजिए, जो लेना है आपको, चलिए एक्सेलरेशन से कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ठीक हो गया। अब जो इस डायरेक्शन में दो, इस केस को मैंने दो केस में तोड़ दिया, एक एक्स में एक्सेलरेशन है आपका 5 cos 30 एक्सेलरेशन, यानी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, यानी ये मोशन ऑफ द इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपने इसका एक कंपोनेंट वाई में तोड़ा जो कि अगेन कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो यही इक्वेशन वाई की डायरेक्शन में लगा सकते हैं, खत्म, बात समझ में आई। तो कोई भी जनरल प्रॉब्लम को एक्स और वाई में तोड़ी और ये इक्वेशन आप एक्स एंड वाई दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है या मुझे ही समझ में आ रहा है? तुम्हें भी आ रहा है ना समझ में? काफी बार जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को ऐसा लगता है मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे ही मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बाकी बच्चों के चेहरे ऐसे ही लटकाए रहते हैं, ऐसा लगता है कि हे भगवान क्या कर दिया है इनके साथ। चलिए एनीवेज मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, मेरा पूरी कोशिश रहती है आपके कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। इस लेवल का मैं हमेशा क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, इस लेवल की मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए नोट कीजिए, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, नोट करके, क्या दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। जब आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा तभी ये इक्वेशंस वैलिड हैं, कहीं भी मत लगा दीजिएगा, यानी आप कॉन्सेप्चुअली गलत चले जाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? शो देखें एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, चलिए आइए देखो, देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोगों के सामने है, जिसका आंसर आएगा तुरंत तुरंत कमेंट में मैसेज भेजिएगा। आइए देखिए एग्जाम्पल 13 आपको बोला है इफ इफ एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है -8 j कैप एंड वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 i कैप छोड़िए 9 i कैप प्लस 4 j कैप। पूछा जा रहा है फाइंड टाइम। अब देखिए डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड टाइम व्हेन दीज टू क्वांटिटीज दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज makes 90 degree with each other, मतलब जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं, कितने समय में ऐसा होगा? बच्चों सिंपल है आपका, क्या है दो वेक्टर क्वांटिटी अगर 90 डिग्री बना रही है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर 90 डिग्री क्या ए डॉट वी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, चूंकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ए डॉट वी। सुनिए a माइनस 8j डॉट v मतलब 9 i कैप प्लस 4 j कैप, बात समझ में आ रही है? बच्चों एक काम करिए, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। यहां पे अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं, एक्सेलरेशन इतना है एंड इनिशियल वेलोसिटी आपकी इतनी है इसको इनिशियल ले लीजिए, आपसे बोला जा रहा है फाइंड टाइम व्हेन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज मेक 90 डिग्री विद ईच अदर।
क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा बच्चों, सुनिए, शुरू में वेलोसिटी इतनी थी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। जब एक्सेलरेशन लग रहा है या तो वो स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पीड थी जीरो और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अगले 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होने वाली है। अब दूसरा केस सुनिए, मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में है, मेरी इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड बाद मेरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ने वाली है, यानी मेरी स्पीड में 2 ऐड हो जाएगा, 3 + 2 = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड बाद मेरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट था उससे क्या मेरी वेलोसिटी अभी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया उससे बढ़ी या घटेगी, मेरे केस में बढ़ी, बढ़ भी सकती घट भी सकती है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे या बढ़ेगी या घटेगी जो भी होगा। तो मैं फाइनल वेलोसिटी क्या बोला, फाइन टाइम व्हेन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज मेक 90 डिग्री, यानी फाइनल अब ये वेलोसिटी बढ़ गई, लेट अस सपोज बढ़ गई होगी फाइनल वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है तो इनके बीच में 90 डिग्री। तो a.v बात समझ में आ रही है। अब v होगा क्या ये पहचानना बहुत जरूरी है, ये पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनल है v इक्वल्स टू u + at, आप लोगों ने ये पढ़ा है। फाइनल कैसे निकालते हैं, इनिशियल में 80 ऐड कर दीजिए, तो इनिशियल ये था, इसमें 80 ऐड कर देंगे यानी -8j, तो कितना हो गया 9i + 4 - 80j, क्या मैंने सही लिखा? हाँ मैंने सही लिखा। तो फाइनल a.v क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, a.v हो जाएगा -8j.product 9i + 4 - 80j = 0। फिर से बोल रहा हूं a.u मत करना, a.v = 0। v कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, j.i = 0, j.j = 1, यानी मेरा आ गया यहां से 4 - 8t = 0, t आया मेरा 4/8 यानी आधा सेकंड, 0.5 सेकंड बाद यानी आधे सेकंड बाद ये दोनों 90 डिग्री बना रहे होंगे। क्या बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है पक्का? शो एक और एग्जांपल देखें, चलिए एक अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए वैसे तो सारे अच्छे एग्जाम्पल उठाता हूँ आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल 14 आइए यहीं पे करते हैं, एग्जाम्पल 14। देखिए बच्चों डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड से आगे गया, डेफिनेटली बात सुन आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड से ये आगे गया, क्लियर है। चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है चलिए, और 3 मीटर, चलिए 4 लेते हैं ताकि कुछ कैंसिल होने वाला होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन आपको इस डायरेक्शन में दिया है, वेलोसिटी यू आपको इस डायरेक्शन में दी हुई है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूछा जा रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितने सेकंड, चलिए 3 सेकंड ले लेते हैं, इन 3 सेकंड्स, 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा वो निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछा है, कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के, यानी अलर्ट हो जाइए। देखो 2 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, अच्छी बात है जा रहा है, अब अगले 1 सेकंड में क्या है,
दो आगे चार पीछे लगेगा, यानी 2-4, यानी ये एक टाइम बाद देख के मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये पहले आगे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। समझ सिंपल सी बात आ रही है ना, आप आगे जा रहे हो और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपको कोई खींच रहा है, यानी एक सेकंड बाद आपको 4 मीटर पर सेकंड से पीछे खींचा जाएगा, 2 से आगे जा रहे हैं 4 से पीछे खींचा जाएगा, ठीक है एक सेकंड बाद, यानी बीच में कहीं आपने कल्टी मार ली होगी, पलटी मार ली होगी, टर्न ले लिया होगा। बात समझ में आ रही है? सुनिए दूसरे तरीके से, इतनी बात समझ में आ रही है क्योंकि इसने पलटी मारी है तो कहीं पे वेलोसिटी जीरो ही होगी। तो आइए देखिए, आइए यहां पे करते हैं, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम ना हो इसलिए। बच्चों यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, इसको 8 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन, जो आपका आंसर आएगा वो सिंपल आंसर आएगा, एक सिंपल कैलकुलेशन होगी, इसलिए बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बच्चों, क्योंकि ये पार्टिकल डेफिनेटली कल्टी मार रहा होगा, डेफिनेटली ये पार्टिकल पहले आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, यानी पक्का वहां पे वेलोसिटी जीरो ही होगी। तो आइए वेलोसिटी जीरो करते हैं, वेलोसिटी जीरो करते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, जहां से वो पलटी मारेगा, जहां से वो रिटर्न लेगा, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 8, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन इसलिए -4t। यहां से साफ दिखाई दे रहा है क्या? टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दैट मीन्स वहां से पलटी मारेगा, इसलिए यहां से 2 सेकेंड बाद मैंने यू टर्न दिखा दिया, 2 सेकेंड बाद पार्टिकल पलटी मार लेगा। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है डिस्टेंस। देखिए यहां से यहां तक मैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, आइए देखिए 2 सेकंड के लिए s, 2 सेकंड, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, 10 बार बता दिया है। s इक्वल टू ut टाइम 2 सेकंड -1/2 एक्सेलरेशन a टी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है 2 से 2 काटो 4 2 जाए 8 8 16 माइनस 8 16 माइनस 8 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक की दूरी आ गई बच्चों? यहां से यहां तक की दूरी आ गई 8 मीटर, क्लियर है? अब सुनिए, ऐसा अगर मुझे 3 सेकंड, क्योंकि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, तो अगर 3 सेकंड में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, 3 सेकंड में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, क्या हो जाएगा? s इक्वल टू ut, u 8 है, t क्या है 3 सेकंड, -1/2 a t स्क्वायर, t क्या है 3 सेकंड, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 8 3 24 24 - 18 कितना हो गया 6 मीटर। क्या है ये 6 मीटर? डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल 3 सेकंड यहां पे है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी 6 मीटर, यहां से यहां तक है 8, यहां से यहां तक है 6, तो बचा ये कितना है 2 मीटर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 मीटर? ये क्या है 2 मीटर। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या है? ये प्लस ये, तो ऐड कर दीजिए, ये कितना है 8 मीटर और ये कितना है 2 मीटर, ऐड कीजिए आंसर आ गया। तो डिस्टेंस कितने आ गए बच्चों? डिस्टेंस आ गई 8 + 2 = 10 मीटर। अरे वाह, मजा ही आ गया। क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई? शो चीजें चमक रही हैं, समझ में आ रहा है क्लियरली? शो सॉरी। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।